नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के सरघरा से पूर्व विधायक संगी सोम और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व विधायक के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उनके ही लेटर पेड पर डॉक्टर बलियान पर गंभीर आरोप लगाकर पर्चे बांटे गए थे। यह पर्चे किसने बांटे हैं, इसकी जांच को पूर्व विधायक के निजी सचिव चंद्रशेखर ने लाल कुर्ती थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो संगीत द्वारा की गई प्रेस वार्ता का एक वीडियो पुलिस को मिला। वीडियो में मीडिया के सामने पूर्व विधायक को उनके निजी सचिव भी एक पर्चे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को आधार बनाकर लाल कुर्ती थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने निजी सचिव से थाने बुलाकर पूछताछ भी की है। निजी सचिव ने सफाई देते हुए बताया कि पूर्व विधायक ने उनसे गाड़ी से एक जरूरी कागज मंगाया था, वो उन्होंने ले जाकर दे दिया। आरोप लगाकर पर्चे किसी बाहरी ने बांटे थे। फिलहाल पुलिस ने चंद्रशेखर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। हालांकि इस वीडियो की विस्तार से जांच की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर संजीव बालियान पर आरोप लगाकर बांटे गए पर्चे में हरियाणा के गुरुग्राम निवासी संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरडू द्वारा बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन दिलाने के आरोप लगाए गए थे। विरोध जताते हुए संजीव खरडू के अधिवक्ता की ओर से संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया जा चुका है। राजव सोनकर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजव, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे प्रकरण में? हाँ देखिए, बिल्कुल, ये सियासी पारा जो है वो गर्मा गया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता इस समय आमने सामने आ गए हैं। और ये मोड़ अब नया इसलिए हो गया है क्योंकि एक कथित प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कथित प्रेस नोट खुद पूर्व विधायक संगीत सोम के लेटर हेड पर लिखा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं जो मसला है ये पूरा एक तरफा नजर आ रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पाले में गेंद जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। क्योंकि संगीत सोम जो पूर्व विधायक के सरगना से उन्होंने संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने जो संजीव बालियान पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो मुजफ्फरनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो हार गए। तो हारने को भुगतना पड़ेगा जो पुलिस की जांच में सामने आएगा कि जिसने वो प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जो प्रेस नोट वहां पर पत्रकारों को जो संगीत को प्रेस वार्ता बुलाई थी उस पर जो बांटे गए उस पर भी अब पुलिस जो जांच कर रही है बहुत गहनता से। और उसमें एक चंद्रशेखर व्यक्ति जो उसके खिलाफ भी जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसे थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर ये प्रेस नोट वहां बांटा गया है। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है और माना जा रहा है पुलिस बहुत जल्दी इस मामले में कार्रवाई करेगी। और यहाँ तक कि उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जो वहां सुरक्षा कर्मी तैनात थे। माना जा रहा है कि 22 से ज्यादा पूर्व विधायक को सिक्योरिटी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है, उस पर भी पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है। थाना प्रभारी इंदु वर्मा का कहना है कि जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है सभी वीडियो कलेक्ट कर ली गई है। जो व्यक्ति वीडियो में पर्चा बांटते हुए दिख रहा है उसे भी थाने बुलाया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसका यही कहना है कि मुझसे विधायक जी ने कागज गाड़ी में से लाने के लिए कहा था, वही कागज मैंने वहां पर विधायक जी को पकड़ा है। अब फिलहाल ये कथित लेटर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिक्रिया देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबने चुप्पी साध ली है, सब इस प्रकरण से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। मेरठ के चाहे वो मैं सांसद की बात करूं, फिर चाहे मैं अन्य नेताओं की बात करूं, सभी ने अभी इस मामले में चुप्पी साधी है। सबका ये कहना है कि दोनों नेता सुलझे हुए और समझदार नेता है, एक दूसरे पर जो जुबानी जंग जो जारी कर रखी है उसको लेकर कहीं ना आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। वही एक व्यक्ति जो संजीव बालियान का खास बताया जाता है संगीत सोम के अनुसार, कि उन्होंने
उस व्यक्ति ने बाहर उन्हें जमीन दिलाई, अमेरिका में जमीन दिलाई है। अब उस व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 करोड़ का नोटिस पूर्व विधायक संगीत सोम के घर भिजवा दिया है, और ये लेटर भेजने के बाद में संगीत सोम भी पकड़ा गए हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये जो जोर है, जंग जो है, जुबानी जंग जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं अब उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ेगी जरूर, कि जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल हुआ है, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उस लेटर में कई बिंदुओं पर, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो गुंडागर्दी। डॉक्टर वर्मा का कहना है, जांच चल रही है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और पुलिस उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो व्यक्ति गलत होगा। इंदु वर्मा थाना लाल कुर्ती के परवा जी, बहुत जल्द जाएगा। वही जो संजय बालियान का खास बताया जा रहा था, जिसने अमेरिका में जमीन दिलाई थी, उस व्यक्ति ने भी एक वीडियो जारी करते हुए संगीत सोम की जो है संपत्ति की जांच की मांग की है। तो कहीं ना कहीं खुफिया विभाग ने भी मेरठ पुलिस से इसका पूरा डाटा कलेक्ट किया है, वो वीडियो वो फोटो भी कलेक्ट किए हैं, पुलिस की जांच और पुलिस की कार्रवाई कहां। तो बहुत जल्द पुलिस जो है इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, और इस मामले की जो गायब है वो पुलिस के पाले में नजर आ रही है। बहुत जल्द इस मामले में नया मोड़ भी आ सकता है, और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, या फिर ये पूरा प्रकरण यूं ही ढीले रवैये में चला जाएगा। लेकिन इन दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, और इन दोनों को भी भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं दोनों की संपत्तियों की भी जांच जो है खुफिया विभाग की तरफ से भी की जा सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है, और प्राइम टीवी वो एक्सक्लूसिव लेटर भी दिखा रहा है, संगीत सोम के बयानों को भी प्राइम टीवी ने एक्सक्लूसिव दिखाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दो नेताओं के जो जुबानी जंग है, वो कहीं ना कहीं छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को ऐसे लोगों पर, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो या फिर पूर्व विधायक संगीत सोम, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को अमल में लानी चाहिए। जी राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। सुल्तानपुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिलाधिकारी कृतिका जोशना के साथ कलेक्ट्रेट का भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान एसीपी सोमेन वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व एस सुधाकरन, नगर कोतवाल श्रीराम पांडे की मौजूदगी में टॉर्चर की रोशनी में भवन का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने अभिलेखागार के पास लगे जनरेटर को हटाकर साइलेंट जनरेटर लगाने का निर्देश भी दिया। साथ ही जिला अधिकारी ने जन सुविधा केंद्र के अंदर जाकर चल रहे कार्यों की जानकारी दी। कलेक्टर में डीएमएसपी के साथ किया गया परीक्षण, सीएम की फटकार ने प्रशासन के लिए जिम्मेदारी सौंपी। टॉर्चर की रोशनी में किया गया पूरा परीक्षण, कलेक्टर में डीएम एसपी के साथ किया गया निरीक्षण, सीएम की फटकार, एक्शन में अधिकारी। हम आपको बता दें, टॉर्चर की रोशनी में मुख्य सचिव ने किया पूरा निरीक्षण, सीएम की एक फटकार, एक्शन में अधिकारी। टॉर्च की रोशनी में मुख्य सचिव का इंस्पेक्शन, कलेक्ट्रेट में डीएमएसपी के साथ किया गया निरीक्षण, सीएम की फटकार, एक्शन में अधिकारी। टॉर्च की रोशनी में मुख्य सचिव का इंस्पेक्शन, कलेक्ट्रेट में डीएमएसपी का निरीक्षण, सीएम की फटकार, एक्शन में अधिकारी। फोन लाइन पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं आशुतोष। क्या जानकारी है आशुतोष आपके पास इस परीक्षण को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये अचानक निरीक्षण जो होना है, ये प्रशासनिक में खलबली का माहौल मच गया, जिसका जो है अचानक कोई बड़ा स्तरी आया है। तुरंत एक तरफ साफ सफाई, वही दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली व्यवस्था को जो है नकारात्मक देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी कमियां भी देखने को मिल रही है, और जिसका जो है औचक निरीक्षक जो
आधी रात को होना ये दिलचस्प माना जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी इसका जो है निरीक्षण का बात की जा रही थी जी। तो ये जो पूरा निरीक्षण हो रहा है, प्रशासन इसको किस तरीके से देख रहा है, क्या कुछ आप वहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रबंध किए जा रहे हैं वो किस तरीके के हैं, कौन कौन सी टीमें इस निरीक्षण के लिए आ रही है, इस बारे में आपकी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह 2024 का चुनाव बीतने के बाद ही अचानक जो है कोई अगर बड़ा अधिकारी अगर आता है जिले के अंदर और देर रात अचानक कोई अगर निरीक्षण होता है, कोई ना कोई खमियां, कोई ना कोई वहाँ के कामकाज को लेकर जो है तभी निरीक्षण होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ जिलों की शिकायतों को लेकर भी जो है माना जा सकता है उसी के दौरान जो है यहाँ पर निरीक्षण के दौरान किया गया था। सुदोष, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ आगे की अपडेट्स पर। आप जान लेते हैं इटावा से आ रही एक बड़ी खबर। इटावा में जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने आगामी त्योहार को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त किया, जहां उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विनय मणि त्रिपाठी को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को लटके हुए तारों को ऊपर कराए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक और सौहार्द तरीके से मनाए जाने की अपील भी की। गाजीपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कुछ दिन पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद को लेकर दोनों पक्षों में समझौते के लिए पंचायत जुटी थी कि इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले में केस दर्ज कर कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के खेतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्षों के द्वारा मारपीट की जा रही तस्वीरें सामने आई हैं। सर, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, खेतापुर में कुछ दिनों पहले एक डीजे को लेकर दो पक्षों में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी में आज दोनों में समझौते के लिए गाँव के लोग बैठे थे। उस समझौते में पुनः कुछ विवाद हो गया जिसके कारण आपस में मारपीट हो गई है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी को मौके पर भेजा गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। गोंडा के करनैल गंज कोतवाली इलाके बाबा पुरवा नगवा कला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें एक पक्ष की तीन महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वही घटना को लेकर कोतवाल निर्भय नारायण सिंह का कहना है की घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स भेजी जा रही है। तो सीओ साहब की जो हम कंप्लेंट दें उपाय उनका फोन आवा आज गए नाम तहसील मां कैम हुआ तब सीओ साहब से कोई गलती नहीं है। सीओ साहब बता दी कैम की आपका नपवाज लिखवा लिया, लेकिन यह गोविंदे जो है गोविंदे जोथू और हंसू बाबा जी का बतावा मंदिर वाले और लक्ष्मण और इनके यहाँ संजय और मुकेश पाँच छः जने मिल के मारी नहीं सबका और दो जने तो एकदम एक जने खत्म हुए के उपहार है ना। तो हम आउट नहीं करे क्यों बस घर को सारा गरी आवे लागिन बहुत गंदे भद्दे गाली आपसे कितनी बताई गाली कुल बहुत गंदी गाली बस हम पे मेहरारू उठी हमने दो गंदा मार दी और वह जो नहीं के आपके घर के कौन कौन से लोग चुटा रहे हैं? हमारे घर पर हमने दो बड़े जियर चुटा रहे हैं, हमारे पतो चुटानी है, हम चुटानी है, हमारे जठानी चुटानी है, हमारे घर पे मौके पे ना लड़के ना आए रहे उधर से। जालौन के कोंच उरई मार्ग पर देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूपी के हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के गंडक नदी नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को शव पानी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ललितपुर में शिवधाम कॉलोनी में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला शिवधाम कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित महिला का शव दरवाजे की चौखट पर लटका मिला और शव के पास सो रहे पति की जब नींद खुली तो उसके छोटे भाई को बुलाकर महिला के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल अभी तक महिला के मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता: प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821 72। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता: जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता: डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता: नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता।
पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति, बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आप